जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, वो अनुचित होगा तो हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक दृष्टि से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के लिए अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार की बड़ी संख्या जो भी मरीज मानता है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है, जो भी मरीज मानता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, उसमें जाति धर्म संप्रदाय धन को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुनिए, अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया विधायक जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी रुकिए ना प्लीज, नहीं अरे उत्तर आए भैया, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, मुझे रोक रहे ऊंचा मत बोलो, आप भी मेरा सहयोग करो, चलो देख लूंगा वो अनुचित होगा तो अच्छा, मैंने उसको निकाल दिया, अध्यक्ष जी जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बला एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया, उसकी जांच चल रही है, यही लोग बनाने वाले, यही लोग बनाने वाले। जब आप एक उंगली उठाते हो तो उंगली तुम्हारी तरफ उठती है, भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था। अध्यक्ष जी पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, एक बार साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं हूँ, नहीं बैठिए, तुफानी जी तुफानी जी बैठिए, तुफानी जी ठंडा पानी पियो, मिस्टर तुफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है, नहीं किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है, उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो, आप नहीं तुफानी जी जो कुछ भी तुफानी जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, बैठिए तुफानी जी, नहीं है आपको इस बात की इजाजत नहीं है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.